बंद किताबों में लिखा इतिहास हमें कुछ नहीं सिखाता। अगर हमें इतिहास से कुछ सीखना है तो हमें उन पन्नों को खोलना पड़ता है और वर्तमान को छोड़कर इतिहास में गोते लगाने पड़ते हैं। लेकिन इतिहास पर भी आजकल कई तरह के इल्ज़ाम हैं, तो आखिर कहाँ से देखें, कहाँ से सीखें? तो ऐसा करते हैं, उनसे नहीं सीखते हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है, बल्कि उनसे सीखते हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है। मैं प्रबुद्ध सौरभ आपके लिए लेकर आया हूँ दुनिया के सबसे प्रसिद्ध भाषण और उनका विश्लेषण। क्या थे वो भाषण, किन परिस्थितियों में दिए गए, कौन कौन थे उसके पात्र, किसने दिया, क्यों दिया, क्या थी इसके पीछे की कहानी, ये सब हम आपको बताएंगे इस श्रृंखला में जिसका नाम है द माइटी माइक, वक्त, वक्ता और वक्तव्य। यह श्रृंखला कुछ प्रसिद्ध लोगों के भाषणों का विश्लेषण करती है। इसमें अलग अलग काल, अलग अलग देशों और अलग अलग विचारों के लोग शामिल हैं। ये भाषण अलग अलग परिस्थितियों में दिए गए थे। वाचक किसी भी प्रकार से इनमें से किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करता है। प्रस्तुति के दौरान वाचक वक्ता के वाक कौशल का विश्लेषण कर सकता है। यह किसी भी प्रकार से वक्ता की प्रशंसा या निंदा का द्योतक नहीं है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अडॉल्फ हिटलर के उस भाषण की जो उन्होंने 24 फरवरी 1941 को म्यूनिख में दिया था। इस भाषण के दौरान वो अपनी पार्टी यानी नाजी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मेरी पार्टी के दोस्तों, 24 फरवरी का दिन हमारे लिए और खासकर मेरे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। इसी दिन इसी हॉल से एक क्रांति की शुरुआत हुई थी जिसने पार्टी को विजय दिलवाते हुए इसे इस देश और इसके भाग्य का नियंता बनाया। 24 फरवरी 1920 को नाजी पार्टी का गठन हुआ था और आज इस घटना की 21वीं सालगिरह पर नाजी पार्टी के अध्यक्ष, उसके प्रमुख, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे अडॉल्फ हिटलर, जो उस समय जर्मनी के चांसलर भी हुआ करते थे। जब 1920 में हम एक नई पार्टी लेकर आए थे तो सब पूछ रहे थे एक और नई पार्टी क्यों, लेकिन हम एक निश्चित ध्येय और साफ रणनीति को लेकर चले थे। और आज 21 वर्ष बाद मैं जर्मनी की सभी ज़रूरतों को बखूबी निभाता हुआ आपके सामने खड़ा हूँ। यह समय था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एलाइड फोर्सेस के हाथों मिली हार की वजह से जर्मनी न सिर्फ बौखलाई हुई थी बल्कि उसकी हालत बहुत बुरी थी। ऐसे में जर्मनी ने अपना नेता चुना, एक तानाशाह को, एक दमदार लीडर को, सशक्त नेता को, जिसका नाम था अडॉल्फ हिटलर। अडॉल्फ हिटलर नाजी पार्टी के नेता थे और अपने निर्णयों में, अपने विचारों में और अपने एक्शन में बहुत ही कठोर माने जाते थे। जर्मन राष्ट्रवाद का जो बीज हिटलर ने जर्मनी के लोगों के अंदर बोया था, वो बीज अब एक मजबूत पेड़ बन चुका था जो वक्त की आंधियों से लड़ने के लिए तैयार था। कठिन संघर्ष की कोख से नेता पैदा होते हैं। आज जब मैं अपने देश और अपने आसपास खड़े सेनापतियों को देखता हूँ तो मुझे एक लक्ष्य के लिए खड़े सच्चे लोग दिखाई देते हैं। और मैं जब अपने विरोधियों को देखता हूँ तो कुछ ऐसे लोगों का एक गुट देखता हूँ जो मेरी सेना के सबसे छोटे सिपाही बनने की भी औकात नहीं रखते। समय कठिन था और ऐसे शानदार लोगों को इकट्ठा करने में कई बार परेशानियाँ आईं। काबिल लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। सामान्य परिस्थिति में ऐसे लोग एक दूसरे के साथ काम करने की बजाय एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, लेकिन खतरे के समय ये सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और जर्मनी में ऐसा ही हुआ। अब आइए देखते हैं कि हिटलर इस भाषण के माध्यम से किसको किसको संबोधित करना चाह रहे थे। अपने समर्थकों को, अपने सेनापतियों को, अपने विरोधियों को, और कोई याद आ रहा है? दरअसल हिटलर का ये भाषण टारगेटेड था वर्ल्ड कम्युनिटी के प्रति। इस समय तक दुनिया के कई देश अपना अपना पक्ष चुन चुके थे, लेकिन कई ऐसे देश थे जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच में शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आ चुके थे, लेकिन उन्होंने अब तक एलाइड फोर्सेज या एक्सिस फोर्सेज के बीच अपना चुनाव नहीं किया था। हिटलर ऐसे ही देशों के नेताओं को संबोधित करना चाह रहे थे, उनका आह्वान करना चाह रहे थे कि आने वाले या चल रहे विश्व युद्ध सेकेंड में वो लोग हिटलर के साथ लड़ें, जर्मनी के साथ लड़ें। जब हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे थे तो सारी दुनिया गफलत की नींद सो रही थी। उन्हें पता नहीं था कि यूरोप में क्या क्रांति आई है। हमारी ही तरह इटली में फासिस्ट क्रांति का भी काफ़ी उदय हुआ है। हम दोनों की क्रांति अलग अलग है, लेकिन सबसे ऊपर है हमारी दोस्ती। हमारे विरोधियों को ये नहीं पता था कि अगर मैंने ये कह दिया कि मैं किसी के साथ खड़ा रहूँगा तो फिर मैं ज़िंदगी भर उसके साथ खड़ा रहूँगा। इन दोनों क्रांतियों और इन दोनों क्रांति के जो मुख्य क्रांतिकारी हैं, उनकी दोस्ती अक्षुण्ण है, अमिट है, हमेशा जिंदा रहेगी। इसके बाद हिटलर ने फासिस्ट क्रांति से जुड़ी हुई काफ़ी बातें बताई और नाजी क्रांति और फासिस्ट क्रांति के बीच एक पैरेलल खींचने की कोशिश की और खींच कर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया।
उनका इशारा ये था कि फासिस्ट लोग और नाजी लोग दोनों ताकतें मिलकर दुनिया का अगला पावर सेंटर बनने जा रही हैं। उस समय तक मुसोलिनी इटली में फासिस्ट ताकतों का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। मुसोलिनी बहुत ताकतवर थे और इसलिए हिटलर चाहते थे कि मुसोलिनी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उनकी तरफ से लड़े। हालांकि अगर हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करें तो इटली उस समय एलाइड पावर्स के साथ थी, लेकिन इस बीच में काफ़ी सारे बदलाव हुए थे और मुसोलिनी के पावर में आने के बाद हिटलर को यह भरोसा हो गया था कि मुसोलिनी उनके साथ रहेंगे। हालांकि मुसोलिनी और हिटलर के संबंधों को लेकर अलग अलग इतिहासकारों का, अलग अलग विचारकों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, कुछ लोगों का कहना है कि दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे, और कुछ लोगों का मानना है कि हिटलर की आस्था मुसोलिनी के प्रति बेहद ज़्यादा थी, लेकिन दूसरी तरफ मुसोलिनी हिटलर के प्रति आस्थावान तो नहीं थे बल्कि उनकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते थे। जो भी रहा हो, इन दोनों ताकतों ने मिलकर एक बार को दुनिया को हिला तो दिया था। दोनों ने मिलकर ये बता दिया था कि वर्चस्व की इस लड़ाई में जिस तरफ वो दुनिया को लेकर जा रहे हैं, उस गेम के गेम चेंजर वही हैं, और वो एक ऐसा गेम है जिसमें चित भी उनकी है और पट भी उनकी है। हमें बहुत दिनों तक धैर्य रखना पड़ा। मेरे विरोधियों को लगा कि वो मुझे डेडलाइन देकर डरा सकते हैं, लेकिन हमने धैर्य रखना सीखा है और उस धैर्य के काल में भी हम चुप नहीं बैठे हैं। हमने हमेशा अपने लिए लक्ष्य तय किया कि 1 मार्च को ये काम हो जाना चाहिए, या 15 जून को, या 7 सितंबर को ये काम हो जाना चाहिए, तो हमने उस तारीख को वो काम पूरा किया। अब यहाँ पर हिटलर का माइंड गेम देखिए, वो बार बार अपने साथियों और अपने डेडलाइंस के प्रति अपने कमिटमेंट की बात को दोहरा रहे हैं ताकि वो सबको बता सकें कि वो मन, वचन और कर्म तीनों से पत्थर की लकीर हैं। दूसरी तरफ वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि शांति के इस काल में वो चुप नहीं बैठे हैं, बल्कि उन्होंने कुछ ना कुछ निर्माण का काम किया है, सशक्तिकरण का काम किया है। और इसके बाद हिटलर सीधे सीधे अपने विरोधियों पर तंज कसते हैं। हमारे कुछ अति बुद्धिमान जर्नलिस्ट मित्र, जो अब हमारे बीच नहीं हैं और आजकल अक्सर इंग्लैंड में पाए जाते हैं, वो बार बार हमारी बर्बादी की तारीख तय करते हैं। पहले 13 अगस्त की तारीख तय हुई, फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने नई तारीख तय की, 30 जनवरी। फिर कहा कि हिटलर ने बड़ी गलती कर दी, अब वो कुछ हफ्तों में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उनमें से कुछ लोग ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन और ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में असिस्टेंट का पद पा गए हैं। चैम्बरलेन ने कहा, अरे उन्होंने अब तो अपनी बस मिस कर दी है। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने कहा, पहले मैं डरा था लेकिन अब मुझे उनसे कोई डर नहीं है। हर बार वो ऐसी ही बातें कहते रहे। गलती उनकी नहीं थी, उनके सेनापति बहुत कच्चे थे, वह अब भी यही गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 1941 के स्प्रिंग में ब्रिटिश हम पर हमला करेंगे और मैं हिटलर उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। हिटलर दुनिया की हर ताकत को ये बता देना चाहते थे कि वो किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार हैं। वो बार बार इंग्लैंड में बैठे जिन जर्नलिस्ट मित्रों की बात कर रहे थे, वो दरअसल ज्यूज़ की बात कर रहे थे। ज्यूज़ यानी यहूदियों के प्रति हिटलर की नफरत छुपी हुई नहीं है। आज भी यहूदियों के प्रति हिटलर ने जो क्रूरता की, उसको एक उदाहरण के रूप में पूरी दुनिया देखती है। लगभग इसी समय हिटलर के सैनिक यहूदियों की मास किलिंग शुरू कर चुके थे। कई सम्भ्रांत यहूदी, जिनको ये पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जा बसे थे। इनमें से कई लोग थे जो इंग्लैंड जैसे देशों में बसे थे। इंग्लैंड हिटलर का यानी जर्मनी का दुश्मन था, और ऐसे लोग जो ब्रिटिश नागरिक बन गए, ब्रिटेन में चले गए, उन लोगों ने वहाँ की नागरिकता भी ले ली और वहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर की मदद भी करने लगे इस काम में कि हिटलर की गुप्त जानकारियाँ वो उनको पहुँचाने लगे। इस कारण हिटलर यहूदियों से और अधिक नफरत करने लगा और यह नफरत की आग इतनी बढ़ी कि इतिहास जानता है इसके बाद क्या हुआ। आपने हिटलर के बारे में जो क्रूरतम बातें सुनी होंगी, वो फेज़ इस भाषण के बाद शुरू होने ही वाला था। यह भाषण इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि इसके बाद हिटलर यहूदियों के खिलाफ मौत का खुला तांडव शुरू करने वाले थे। इसलिए हम यह भी मान सकते हैं कि इस भाषण का एक उद्देश्य यह भी रहा होगा कि वो अपने इस भाषण से, अपने इस वक्तव्य से दुनिया के लोगों को, वर्ल्ड कम्युनिटी को और अपने देशवासियों को इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड करें कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। विश्व युद्ध को लेकर हिटलर के इरादे बिल्कुल स्पष्ट थे। अगर दुनिया चाहती है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन शांतिप्रिय से शांतिप्रिय व्यक्ति भी शांत नहीं बैठ सकता अगर उसके पड़ोस में युद्ध की तैयारी चल रही। ब्रिटिश जनरल ने स्वीकार किया है कि 1936 में चर्चिल ने उनसे कहा था कि जर्मनी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, इसलिए हमें जर्मनी का सर्वनाश करना होगा। जब मुझे पता चला कि यहूदियों की शह पाकर ब्रिटिश एम्पायर युद्ध की चिंगारी सुलगाना चाह रहा है, मैंने तभी से युद्ध की तैयारियाँ शुरू कर दी थी। अब देखिए कि लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है। एक अच्छा नेता कभी भी किसी परिस्थिति के आने का इंतज़ार नहीं करता, चाहे वो आने वाला कोई खतरा हो या कोई अपॉर्चुनिटी हो। उसके आने से पहले हवा को सूंघकर उसको भांप लेना और उसके लिए एक्शन शुरू कर देना एक अच्छा लीडर बनाता है।
और अगर हिटलर का नाम दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में शुमार है तो उसका एक कारण कहीं ना कहीं यह भी है। मैंने एक ऐसी सेना बनाई है जो दुनिया की सबसे सक्षम सेना है, उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे हथियार हैं। मेरे पुराने कॉमरेड जानते हैं कि यह सिर्फ कहने की बातें नहीं है, हमने दिन रात एक करके यह ताकत इकट्ठी की है। अब पूरी दुनिया कह रही है कि वो भी ऐसा ही करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन हिटलर तो ये कर चुका है। तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम जो ये अब कर रहे हो वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। इसलिए मुझे अपनी कहानी न सुनाएं, मुझ पर आपकी कहानियों का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ही सशक्तिकरण का और सशस्त्रीकरण का एक्सपर्ट हूँ। मुझे पता है कि स्टील से क्या बनता है और एल्यूमिनियम से क्या बनता है। मैंने युद्ध के लिए जर्मनी की ताकतों की लिस्ट बनाई और मैं आधे यूरोप के लिए ऐसा कर सकता हूँ। इसका जो भी नतीजा होगा मैं उस नतीजे से आंखें मिलाने के लिए तैयार हूँ। अब जर्मनी, उसके लोग, उसकी सेना और उसकी सरकार सब एक साथ हैं, और अगर कोई सोचता है कि 1918 को दोहराया जा सकता है तो वह मूर्ख है। हिटलर अपने विरोधियों को संबोधित करना जानते थे, लाउड एंड क्लियर। साथ ही साथ वो अपने सैनिकों को मोटिवेट करना भी जानते थे। वो बार बार ये कहते थे कि मेरी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। ऐसा कहकर विरोधियों को तो वो डराते ही थे, साथ ही उनके अपने सैनिकों के लिए ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता था कि उनका लीडर, उनका नेता स्वयं हिटलर उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर फौज कहे। हमारे दुश्मन भी चाहते हैं कि जर्मनों को आपस में लड़ा दिया जाए और जर्मनी में गृह युद्ध जैसे हालात खड़े कर दिए जाएं। उनका कहना है कि जर्मनी में विद्रोह होगा, लेकिन कब होगा और कौन करेगा इसका उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं। थॉमस मैन और उनके साथी जो जर्मनी छोड़कर इंग्लैंड चले गए हैं, उनमें से कई अब इंग्लैंड में भी नहीं हैं और वहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए कि जर्मनी के इतने पास रहकर उसके खिलाफ होने से वो डरते हैं। इसी डर की वजह से वो अपने भविष्य की लड़ाई का हेडक्वार्टर युद्धभूमि से इतनी दूर बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विद्रोह होगा, लेकिन कैसे होगा उनको नहीं पता, कौन करेगा उनको नहीं पता। हिटलर इतने शानदार वक्ता थे कि उन्हें दहाड़ना तो आता ही था, साथ ही साथ चुटिले व्यंग करना भी आता था, और उन्हें पता था कि व्यंग की धार किसी भी दहाड़ से कम नहीं होती। जिस थॉमस मैन का जिक्र बार बार हिटलर कर रहे हैं वो जर्मनी के एक यहूदी लेखक थे जो बाद में इंग्लैंड चले गए थे, और इस समय वो हिटलर के खिलाफ इंग्लैंड का साथ दे रहे थे। पहले उन्होंने कहा कि ठंड का मौसम आ गया है, अब जर्मनी घुटनों पर आ जाएगी, लेकिन जर्मनी तो विंटर प्रूफ निकला। फिर उन्होंने कहा कि जर्मनी भूखमरी से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि ब्रिटिश कितने मानवीय हैं, इसलिए हमने अपना इंतज़ाम किया हुआ है, अगर भूखमरी आई तो वो हमसे पहले खुद उन तक पहुंचेगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि वक्त हमारे साथ है, जबकि वक्त सिर्फ उनके साथ होता है जो काम करते हैं, और वो सिर्फ हमने किया है। दरअसल हमारे विरोधी इन बचकाने बयानों से खुद को खुश रखना चाहते हैं। मुझे और जर्मनी के लाखों सैनिकों को पता है कि लड़ाई बड़ी है, लेकिन ये भी पता है कि शक्ति हमारे साथ रहेगी, क्योंकि हमने वर्षों तक कठिन हालात में कठिन मेहनत की है। जब मैं इतिहास और वर्तमान के आलोक में अपने विरोधियों को देखता हूँ तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो यहूदियों और पूंजीपतियों के बल पर लड़ रहे हैं, और शक्ति ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती। मुझे पता है कि हमारी आगे की लड़ाई में शक्ति हमेशा हमारे साथ रहेगी। हिटलर के रिलीजियस व्यूज़ के बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं, हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यह एक ऑलरेडी एक बड़ा चैप्टर है, एक अलग चैप्टर है, इसकी चर्चा कहीं और करेंगे। फिलहाल ये है कि हिटलर की मानसिकता जो भी रही हो, लेकिन एक शक्ति में हिटलर की आस्था ज़रूर थी, जो शक्ति मेहनत करने वालों के साथ होती है। एक और चीज़ है जो जर्मनी के साथ है, और वो है भविष्य में दुनिया में बदलते हुए व्यापार का स्वरूप। जर्मनी आज बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम सिर्फ बेचते नहीं हैं, खरीदते भी हैं। हम वर्ल्ड मार्केट के एक बड़े कंज्यूमर हैं। पश्चिम के देश अपना उपनिवेश भी जिंदा रखना चाहते हैं और एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। यह लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ खरीदार बनकर नहीं रह सकती, लेकिन इनके पास अपने एम्पायर्स को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ समय उपरांत यहाँ के लोग हमारे साथ व्यापार करने लगेंगे, चाहे पश्चिमी देशों के बैंकर्स को पसंद आए या ना आए। हमने जर्मनी का जो इकोनॉमिक मॉडल बनाया है वो जर्मन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है, न्यूयॉर्क या लंदन में बैठे किसी बैंकर के हिसाब से नहीं। हालांकि एक देश चलाने वाले शासक के लिए इकोनॉमी की इतनी समझ होना कोई बहुत बड़ी बात या कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपनी उस समझ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके वर्ल्ड वार जैसे कठिन समय में अपने दुश्मनों को डरा देना, हड़का देना, ये स्ट्रेटजी तो हिटलर जैसा ही कोई कर सकता था। दुनिया के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक अडॉल्फ हिटलर को ये पता था कि अगर आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके साथ काम करने वाले ये समझ लें कि उनके आसपास की व्यवस्थाएं सब कुछ ठीक है, सुचारू है, तो वो लोग दुगने उत्साह और उतने ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं।
इस पूरे भाषण के दौरान उस समय दुनिया के सबसे चर्चित नेता यानी अडोल्फ हिटलर ने अपनी सैन्य तैयारियों के बारे में बात की, अपनी भौगोलिक तैयारियों के बारे में बात की, अपने इकोनॉमिक मजबूती के बारे में बात की, और इससे उन्होंने अपने तीन उद्देश्य पूरे किए। पहला, अपने समर्थकों का दिल जीतना, उनका उत्साह जीतना, उनमें उत्साह फूंकना। दूसरा, अपने दुश्मनों को डराना। और तीसरा, दुनिया की वो तीसरी ताकतें जो मजबूत हो रही थी लेकिन अब तक जिन्होंने अपना पक्ष नहीं चुना था, उनको अपने पक्ष में करना। द माइटी माइक, वक्त, वक्ता और वक्तव्य के अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति के एक और महत्वपूर्ण भाषण के साथ मिलेंगे। लेकिन जाते जाते अडोल्फ हिटलर के इस भाषण का आखिरी हिस्सा सुनते जाइए। आज से 21 वर्ष पहले जब मैं इस हाल में पहली बार आया था तो मैं एक अनजान अनाम सैनिक था। मेरे पास एक दृढ़ निश्चय के अलावा कुछ भी नहीं था। 21 वर्षों में नई दुनिया का निर्माण हो गया है। आगे का रास्ता उस रास्ते से अधिक आसान होगा जो 24 फरवरी 1920 से आज तक का रास्ता था। आज मैं भविष्य को लेकर आश्वस्त हूँ। मुझे पता है कि जब भी देश में कहा जाएगा जर्मनी मार्च फॉरवर्ड, तो पूरी जर्मनी एक साथ आगे बढ़ेगी।